टफ यात्रा है आजादी के बाद में सबसे कठिन यात्रा ये राहुल गांधी जी भाई जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो तो वो भावना यही है कि देश एक रहे अखंड रहे जैसे इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी अपनी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जान दे दी पूरा छिना छन्नी हो गया और देश को एक रखा अखंड रखा मुकाबला किया। राजीव गांधी जी शहीद हो गए पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित कैसे हो उनकी सोच थी वो नहीं रहे हमारे बीच में तो कांग्रेस का एक शानदार त्याग का बलिदान का सुरमान इतिहास रहा है। राहुल गांधी जी उसी को लेकर निकल पड़े अपना कारवा लेकर आप देख रहे हो कि 25 किलोमीटर चलना पर डे साथ में नौजवानों का काफिला चल पड़ा है। आप सोच सकते हो कि किस एक भावना उनकी चल रही है। इतनी मुझे खुशी है कि वो राजभवन में प्रवेश कर रहे हैं पूरे प्रदेशवासियों के दिलो दिमाग के अंदर एक ही बात है इंतजार है राहुल गांधी जी के आने का 4 तारीख के सामने। सर भाजपा जनाक्रोश रैली निकाल रही है तो उनकी यात्रा से फेल हो रही है। पहले निकाली यात्रा उन्होंने कोशिश की कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला पाके कल उन्होंने शुरुआत करी मैंने सुना कोई रेस्पॉन्स वहाँ नहीं है तो बड़ी उनमें बड़ा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कि 5 साल तो वहाँ उम्मीदवार बने बैठे हुए मुख्यमंत्री के और उनके झगड़े निपट नहीं रहे हैं पंचायती हमारी करते हैं कांग्रेस की तो हमने कहा है कटारिया जी को भी कि आप अपने घर की पंचायती करो कांग्रेस को नहीं छोड़ो। कांग्रेस तो नेता हमारे जो होते हैं उनके अनुसार में चलती है छोटे मोटे मन मटाव तो देश में हर जगह हर पार्टी में राजस्थान के सब नेता मिल करके एकजुट होकर आप देखेंगे प्रदेश देखेगा प्रदेशवासी देखेंगे सब लोग मिलकर के कार्यकर्ता नेता सब मिलकर के ये जो अहम मुद्दे हैं देश के उनके लिए सब समर्पित हैं यात्रा को कामयाब करेंगे जिससे पूरे देश का भला हो।